हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि डियर बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में प्रश्नावली 1.3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज आपके क्लास में प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने चल रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों के टाइम को नुकसान न करते हुए चलिए प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करते हैं, जो कि एक छोटी सी प्रश्नावली है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार वो होता है कि जैसे किसी संख्या को डिवाइड करने के बाद दशमलव के कितने अंक तक आप उसको विभाजित करते हो, कितने अंक तक उसको प्रसारित करते हो, वो दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा कि अगर हमने कहा कि 2 से 5 में भाग देना हो, क्या देना हो, 2 से 5 में भाग देना हो, तो 2 × 2 = 4 आ गए, 5 में से 4 घटा दिए 1 आ गया, तो दशमलव लगाए, ये दशमलव लगाए, जीरो उतारे, तो 2 × 5 कितने आ गए भैया, 10 आ गए, कट गए। तो ये दशमलव प्रसार क्या आया, दशमलव के एक अंक तक इसका प्रसार किया गया, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गए, विभाजित हो गए। जैसे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिए, 3 से 20 में डिवाइड किए, 3 × 6 = 18, माइनस कर दिए 2 आ गए, फिर पॉइंट लगाया 0, 3 × 6 = 18, फिर माइनस किए 2 आया, फिर भैया दशमलव अब अच्छा लग, फिर 0 उतार लेंगे, 3 × 6 = 18, फिर आ गया 2, यानी ऐसे लगातार 6 आता चला जाएगा, कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे दशमलव प्रसार जिसकी दशमलव के बाद कोई एक निश्चित अंक नहीं होता, ऐसे दशमलव प्रसार जिसका कोई निश्चित अंक नहीं होता, निश्चित संख्या नहीं होती, या हम कह दें ऐसे दशमलव प्रसार जो एक निश्चित संख्या के बाद पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। ऐसे हो गए। एकाक आप एग्जाम्पल और देख सकते हो। जैसे आपने क्या देख लिया, 3 से 10 को डिवाइड किया, 3 × 9, माइनस किए 1 आया, पॉइंट लगाए 0 उतारे, 3 × 9, फिर ऐसे 3.33 आते चले जाएंगे, यानी ऐसे दशमलव प्रसार जिसके दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्याएं निश्चित नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। और ये क्या हो गए, अशांत हो गए, क्या हो गए, अशांत हो गए, और ये भी क्या हो गए, अशांत हो गए। और शांत क्या होते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार जो एक निश्चित संख्या के बाद पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, ये क्या है, दशमलव के एक अंक के बाद, एक संख्या के बाद ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, विभाजित हो गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। जैसे एक आप एग्जाम्पल और ले लीजिए, आप क्या ले लेंगे, 2 से अगर आपको किसमें भाग देना हो, 9 से 2 × 6 = 8, 1 किए, दशमलव लगाए, 0 उतारे, 2 × 5 = 10 आ गए, कट गए, नहीं कट गए, यानी ऐसे दशमलव प्रसार जो एक निश्चित संख्या के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जो जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं वो आपके परिमेय संख्या होते हैं, जिसके दशमलव प्रसार अशांत होते हैं वो आपके अपरिमेय संख्या होते हैं। तो कुछ बातें जो हम बताए हैं उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जिनको, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, वो हमारे अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है, और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब आप लोगों के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये थी कुछ जानकारी। एक जानकारी और हो जाती है कि जिसका हर 2 घाते यम तथा 5 घाते यन के रूप का होता है। ये ट्रिक है। क्या है भैया, ट्रिक है कि क्या है कि जिसका हर अंश, यानी 2/10 दे दिया, 3/10 दे दिया, 4/20 दे दिया, तो हमको पता लगाना हुआ कि ये कौन सी संख्याएं हैं, इनका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो ट्रिक कह रहा है कि जिसका हर 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का हो, तो ये अंश होता है और ये आपका क्या होता है, हर होता है। तो हर क्या है, 10 है, तो 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × क्या आ गए, 5 आ गए। तो ये देखिए 2 × 5 के रूप का है
यहाँ यम का मान एक है, यन का मान एक है। तो ध्यान समझिएगा, दो घाते यम तथा पांच घाते यन का रूप का है, इसका हर दो घाते यम पांच घाते यन के रूप का है, इसलिए दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अर्थात इसको 10 से डिवाइड करने पर यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये हमको याद करके रखना है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उसका हर दो घाते यम तथा पांच घाते यन के रूप का होगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रश्नावली 1.4 क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी बिना भाग दिए आपको बताना है कि किन निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो पहले का पहला सवाल देखिएगा, पहले का पहला सवाल है 13/31/25 है, दूसरा क्वेश्चन कितना है भैया 17/8 है, 17/8 है, तीसरा क्या है। चलिए अभी पहले दो सवालों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 13/31/25 है, तो हम लिखेंगे हर को जो है पहले पता कर लेते हैं कि दो घाते यम पांच घाते यन के रूप का है या नहीं है। तो पहले हम करते क्या है, इनको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 6 30 एक बचा, 5 2 10 5 5 25 5 1 5 1 बचा, 5 2 10 5 5 25 फिर 5 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 से 5 फिर 5 से 1 तो देखिएगा 31/25 को क्या लिखा जा सकता है, 31/25 को 1 2 3 4 5 यानी 5 घाते 5 लिखा जा सकता है, गुणे 2 घाते 0। 2 घाते 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम लगा सकते हैं 2 घाते 0 या नहीं भी लगा सकते हैं। तो 2 घाते 0, तो देखिए इनका हर लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या का हर 2 घाते यम तथा 5 घाते यन के रूप का है, 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ऐसे लगाया जाएगा, देख लीजिएगा इतना सरल है। अब 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, हर को क्या लिखा जा सकता, लिखेंगे चूंकि हर जो है क्या है, 2 घाते यम तथा 5 घाते यन के रूप का है, अतः दी गई संख्याएं क्या है भैया, संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसे आपने पता किया कि भैया ये क्या है, ये कैसे आपने पता किया कि इसका जो हर है वो 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2, तो इसको लिखा जा सकता था 2 घाते 3 तथा 5 घाते 0, 2 घाते 3 तथा 5 घाते 0 के रूप का है, अतः दी गई संख्याएं क्या है आपकी, दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे आपके क्या है 64/455, तीसरा नंबर क्या है भैया 64/455, तो 455 का भी हम लोग देखते हैं, ताइए 455 को देखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग 5 से कटाते हैं, तो 5 9 45 5 1 5, फिर 7 से कटाओगे 13 आ जाएगा, 13 से कटाओगे 1 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ 5 को छोड़कर 7 और 13 भी आ गए, तो ये 7 और 13 आ गए, अतः लिख देंगे कि जो हर है वो 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का नहीं है, बल्कि 7 और 13 भी आ जा रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्याएं संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक, ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन थे। ठीक, और बाकी इस पहले चैप्टर में जो भी सवालें दी गई हैं
वो आप लोग लगाइएगा। अगर कहीं दिक्कतें आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को समाधान कर देंगे। चलिए इस चैप्टर के दूसरे सवाल को चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए क्या कह रहे हैं, ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या है, शांत है, यानी इस बार आपको क्या करना है, जो दशमलव प्रसार हैं वो लिखने हैं। तो दशमलव प्रसार एक अच्छी विधि होती है भाग से, तो उन्हीं के लिखने हैं जो शांत हैं। क्या है, जो शांत हैं, अशांत वाले के नहीं लिखने हैं। तो दूसरे में सबसे पहला क्या लिखना है आपका, दूसरे का पहला नंबर है 13 बटे कितना है 31/25 है, 13 बटे 31/25 है। दूसरा नंबर क्या है भैया, दूसरा नंबर है 17/8, इसका दशमलव प्रसार लिखना। तो चलिए हम लोग दशमलव प्रसार इसका लिखते हैं। तो क्या करेंगे भैया, 31/25 से किसमें डिवाइड करेंगे, 13 से भाग दे देंगे, तो 13 से भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं दशमलव लगाते हैं, एक जीरो उतारते हैं, अब भी नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, एक जीरो लगाएं, एक जीरो उतार लिए, अब भी भाग नहीं जाने वाला है, तो अगला जीरो उतारने के लिए एक जीरो और लगाए, एक जीरो और उतार लिए, अब आप भाग आसानी से ले जा सकते हो। तो लगभग 4 बार जाएंगे, 4 बार लेके जाइए, तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 4 × 1 = 4, क्या आ गए भैया, 4 × 1 = 4 = 5, 4 × 3 = 12। तो घटाएंगे तो 0, 0, 5, 10 में से 5 घटाए 5, और यहाँ 2 में से 2 कैंसिल 1 आ गए, कितने आ गए भैया 500 आ गए। फिर से आप क्या लगाओगे, एक जीरो उतार लेंगे, अब क्या करेंगे भैया, फिर से भाग देंगे, तो एक बार लेके जाएंगे, तो एक बार लेके जाएंगे तो 31/25 आएगा, 10 में से 5 घटाए 5, 9 में से 2 घटाए 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 घटाए कितना आ गए, 9 में से 1 घटाए 8, फिर यहाँ कितना आ गया 4, 4 में से 3 घटाए 1 आ गए, 1875 आ गए। फिर जीरो उतारोगे, अब भैया कितनी बार लेके जाओगे, लगभग आप 6 बार ले जा सकते हैं, तो 6 बार लेके जाइए, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 = 15, 6 × 1 = 6 = 7, 6 × 6 = 6 = 7, 6 × 3 = 18। ये देखिए पूर्ण रूप से डिवाइड हो गए, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा लिखेंगे 13/31/25 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए दशमलव प्रसार क्या है, 0.00416 होगा, ठीक यही है, भाग देकर आप इसको निकाल सकते हो। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी 8 से किस में भाग देंगे, 17 में, तो 8 × 2 = 16, 17 में से 16 माइनस करोगे 1 आएगा, दशमलव उतारोगे 8 × 2 = 16, तो घटा दिए कितना आया 4 आया, फिर 0 उतारे 8 × 5 = 40, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो लिखेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, 2.25 होगा, ठीक, ये है आपका ये सवाल। ठीक इसी प्रकार आपके हर एक सवाल को लगाने हैं, तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं, जैसे कि तीसरा आपका अशांत है, वो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको देख लीजिए, जैसे जो वी आई है 23/2 × 3 / 5/2 है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसका एक सवाल नंबर है कौन सा है, अभी ये देखते हैं, एक दो सवाल और अभ्यास कर लेते हैं। 23/ कितना है 23/2 / 3 तथा 5/2, 5/2 ये वी आई नंबर है, ठीक, क्या है, वी आई है। फिर उसके बाद एक है 35/50, एक आई एक्स नंबर है 35/50। तो चलिए सबसे पहले 23 हो गए, इनको 2/3 का मतलब 2 × 3 = 2 × 2 = 4 × 8 और 5 × 2 = 25, तो 23/25 आ गया, 25 × 8 कितना हो जाते हैं 200, ठीक, तो ये 200 है। तो ये देखिए 200 का पहले पता करिए कि ये देखिए 2 × m तथा 5 × n है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो हम लोग 200 से किस में डिवाइड करते हैं 23 में, तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओगे, जीरो उतारोगे, अब 201 के 200, 0 आ गए, ये 3 आ गए, फिर भैया आप एक जीरो उतार लोगे, 201 के 200 हो जाएंगे,
फिर आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे भैया, 100। अब एक जीरो और उतारेंगे तो 205 कितने होते हैं, 1000। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिवाइड हो गए। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि 23/2 घाते 3 और 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार 0.115 है। ठीक, अब आइए यहाँ देखते हैं 50/35। तो 50 को किस में डिवाइड करोगे, 35 में, तो पॉइंट लगाओगे 0, 50 × 300 माइनस कर दोगे तो 50 आ जाएंगे, फिर 0 लगाओगे 0 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, 50 × 50। या तो आप देखिएगा एक मिनट के लिए जरा सा, तो पॉइंट लगाए 0 ताले, 50 × 7 कितना हो जाएगा, 350। तो यानी लिख देंगे 35/50 का दशमलव प्रसार, 0.7 होगा। इस तरीके से इस दूसरे नंबर का जो भी सवाल है, सब सवाल लगेंगे। आप डियर स्टूडेंट जरूर लगाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। जिन सवाल में आपको दिक्कतें आती हैं, वीडियो को पुनः देखिएगा, दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, इस चैप्टर का और इस पूरे अध्याय का लास्ट सवाल है, उसको अभ्यास कर लेते हैं। ठीक, उसका अध्ययन कर लेते हैं। आइए, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और देखकर आपको बताना है कि ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। तो 43.12 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा क्या है भैया 0.120, फिर क्या है 1200, फिर 1200, फिर 1244 डॉट डॉट हो गए। ठीक भैया, अब उसके बाद क्या आता है तीसरा नंबर, इसका तीसरा क्या है 43.12345678 9, और इसके ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो शायद हमने आपको बताया होगा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, और जिनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत होते हैं, वो आपके क्या होते हैं भैया, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, चलिए क्या करते हैं, आपके इन सवाल को हल करते हैं। तो जानेंगे कैसे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो मैंने बताया था जो एक निश्चित संख्या के बाद जो है आपके पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहली संख्या ये देखिए, दशमलव के 9 अंक के बाद ये पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, विभाजित हो चुकी है, तो इसलिए लिख देंगे, अतः लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर कारण देना चाहते हो तो लिख दीजिएगा कि इसका हर जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m तथा 5 घाते n के रूप का है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक भैया, ध्यान समझिएगा। अब ये लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्यों दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि इनकी संख्याएं निश्चित है नहीं है, डॉट डॉट, ये आगे तक और अंक आएंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये बार का मतलब होता है कि ये संख्याएं पुनः दोबारा आएंगी, यानी 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखेंगे, तो ये आपका अशांत नहीं है, चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावसानी है। क्या है, अशांत अनावसानी है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्या है भैया, यह परिमेय संख्या है। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और
अगर इस चैप्टर के दौरान आपको कहीं दिक्कतें आती हैं, कहीं समस्याएं आती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का समाधान हमारे क्लासेस द्वारा, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा किया जाएगा। अब अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर 2 का नाम बहुपद है। आपके बोर्ड की लिस्ट से इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो भी है। तब तक के लिए हम लोग अपनी क्लास को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।